एनसीआरबी ने साल 2022 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों में देश की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आईपीसी में दर्ज मुकदमों में देश में 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है। हत्या के मामलों में देश भर में 28वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, साथ ही लूट के मामलों में 27वें और डकैती के मामले में 31वें स्थान पर, दुष्कर्म के मामले में 24वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है। साथ ही कई छोटे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो एनसीआरबी ने साल 2022 के अपराध के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों में देश की तुलना में उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है। आईपीसी में दर्ज मुकदमों में देश में 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। हत्या के मामलों में देश भर में 28वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। साथ ही लूट के मामलों में 27, तो वहीं डकैती के मामले में 31वें स्थान पर है। दुष्कर्म के मामलों में 24वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। और अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से एनसीआरबी के की रिपोर्ट देखी जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, 2022 के ये क्राइम के आंकड़े हैं जो एनसीआरबी ने जारी किए हैं, और इन आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात, दर्शन रहा है उत्तर प्रदेश का। और अगर हम बात करें चीजों की, तो उसमें भी जो उत्तर प्रदेश है वो बेहतर दिखाई दिया। क्राइम रेट के मुताबिक देश का जो 28 राज्य है, इसके अलावा जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 20वें नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आया है। इसके अलावा अगर हम आईपीसी के मुकदमों की बात करें तो देश में 18वां नंबर है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा प्रति एक लाख जो जनसंख्या है, अगर उसके मुताबिक हम देखते हैं तो उस आधार पर जो क्राइम रेट है वो तय किया गया, और उसके मुताबिक हत्या के मामलों में देश भर में 28वें स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश आया है। लूट के मामलों में 27वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, डकैती के मामलों में 31वां और रेप के मामलों में 24 स्थान मिला है। पॉक्सो के मामलों में भी जो है 25वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। कई छोटे राज्यों की तुलना में यूपी का जो ये प्रदर्शन है ये काफी बेहतर माना जा रहा है, और इसके पीछे वजह यही है कि लगातार योगी सरकार जो है वो क्राइम को लेकर के काम करती है। जो टॉलरेंस की नीति पर काम किया गया है, यूपी पुलिस लगातार इस पर काम करती है, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई हैं, तमाम सीसीटीवी जो है वो सड़कों पे रखवा कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि पैनी नजर रहती है कि किस तरह कैसे जो है क्राइम कंट्रोल किया जाए। और ये जो आंकड़े हैं वो अपने आप में खुद बयां कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहरहाल क्राइम ऑडिट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, करोड़ों की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो बाकी छोटे राज्य हैं उनकी अपेक्षा भी उत्तर प्रदेश में काफी कम है। देखिए अनूप, देखा जाए तो यूपी में योगी सरकार जब से बनी है पहली प्राथमिकता रही है कि क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, और उसके बाद से अगर देखा जाए तो पहले 2 कमिश्नरेट थे, अब 6 हैं, और उसके बाद लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाती है, पुलिस प्रशासन को लगातार अलर्ट किया जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शायद ये उसी का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ खुद जो है क्राइम कंट्रोल को लेकर के हर वक्त जो है नजर बनाए रहते हैं, और हमने देखा कि किस तरह से लगातार वो क्राइम को लेकर के जो है वीसी भी करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करते हैं, और जो सीनियर लेवल के बड़े अधिकारी हैं उनको खुद वो निर्देशित करते हैं कि कैसे किस तरह काम करना है। और जो उत्तर प्रदेश की तमाम अधिकारी, चाहे डीजीपी की बात करें या स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की बात करें, या उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं जहां पर सीनियर अधिकारी तैनात हैं, उनको सीधे तौर पर निर्देश है कि किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहिए। महिला अपराध से संबंधित जो मामले हैं उन पर जो है विशेष निगरानी रखी जाए, तमाम जो बड़े गंभीर मामले हैं छोटी से छोटी घटना को भी सीरियस किया जाए। यही वजह है ये जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं वो उत्तर प्रदेश को बेहतर स्थिति में बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से बड़ा प्रदेश होने के बाद भी जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि तमाम देश के जो छोटे राज्य हैं उनकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो यही बयां कर रहा है कि प्रदेश अच्छी स्थिति में है। देखिए अगर देखा जाए तो जो भी दबंग हैं, जो भी अपराधी हैं, कहीं ना कहीं आजकल वो उन्होंने या तो अपराध छोड़ दिया है या वो पुलिस की शरण में पहुंच गए हैं। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बोलते हैं, अक्सर उनके भाषणों में सुनाई देता है कि उन्होंने साफ कहा कि या तो अपराध छोड़ना होगा या अपराधी को ये प्रदेश छोड़ना होगा या उनकी जो सही जगह है जेल, वहां पर उनको रहना होगा। हमने देखा भी, चाहे बड़े बड़े माफिया हैं, भू माफिया हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर शिकंजा
खरबों की जो संपत्ति है तमाम माफियाओं की, वो अवैध जो अर्जी की गई कि उस पर शिकंजा कसा गया, उसकी की गई, उसको सीज किया गया, कई बड़े जो बदमाश थे उनको इनकाउंटर में ढेर किया गया। इसके अलावा महिला संबंधी जो अपराध थे उसमें तमाम आरोपी थे उनको पहचान लिया गया, जो लूट और चैन स्नैचिंग के जो मामले थे उन पर भी लगातार एक्शन लिया गया। और ये सीधे तौर पर निर्देश दिया गया कि छोटी से छोटी घटना पर भी अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। अगर चाहे हम तमाम त्योहारों की बात करें, तमाम ऐसे इवेंट होते हैं उस पर खास निगरानी खुद मुख्यमंत्री की रहती है, और यही वजह है कि अनुप कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से थानों पर काम किया गया है, थानों को हाईटेक कर दिया गया है, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है जिस तरीके से एनसीआरबी के नतीजे जो आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।